हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि और आज का वीडियो मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है आज मैं एक रेसिपी शेयर करने वाली हूं उस लड्डू की जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम या जिनकी अभी डिलीवरी हुई है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस और बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा तो ये मैंने अपनी दोनों ही डिलीवरी के बाद में खाया था और मुझे इसका टेस्ट भी पसंद आया और ये छोटी मोटी भूख के लिए बहुत अच्छा रहता है प्लस आपकी रिकवरी में और आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी लेट्स गेट स्टार्टेड तो इस लड्डू को बनाने की पूरी रेसिपी जो है वो आपको मैं डिटेल में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ तो ध्यान से देखते जाइएगा साथ में इसके बेनिफिट्स और भी बहुत सारी बातें मैं वीडियो में डिस्कस करती जाऊँगी तो यहाँ पर मैंने सारे बेसिक इन्ग्रीडियट्स यहाँ पर रख लिए हैं थोड़ा सा मैंने गोंद रखा है फिर ये सौंठ और हल्दी थोड़े थोड़े अमाउंट में जाएगा और ये है नारियल का पाउडर आप फ्रेश नारियल को घिस के या काट के भी यूज़ कर सकते हो और फिर साबुत बादाम है मैंने मेजरमेंट एक ही कटोरी से रखा हुआ है काजू है टूटा हुआ काजू ही ले लिया क्योंकि लड्डू में अल्टीमेटली टूटना ही है किशमिश है अखरोट थोड़ा सा लिया है मैंने आ, ये मग, आ, वाटरमेलन के सीड्स हैं पिस्ता है मखाना बहुत ज़रूरी है वो ज़रूर लीजिएगा थोड़ा सा घी है गुड़ है ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं और ये कप में जो रखा है वो है खसखस खसखस -खस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है तो ये सारी चीज़ें इसके अलावा इसमें चिरौंजी भी डलती है तो वो मेरे पास ख़त्म हो गई थी लेकिन जब मैंने डिलीवरी के बाद इसको बनाया था तो मैंने उसमें वो भी डाला था चिरौंजी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप कम ज़्यादा कर सकते हो आ, मतलब जो ड्राई फ्रूट आपको ज़्यादा पसंद हो वो ले लो या फिर बराबर बराबर सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो इसके अलावा इसमें आप जायफल पाउडर या फिर सिनेमन पाउडर ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हो ये मैं वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो लगभग मैंने बनाई थी मतलब मैंने खाई थी अपनी डिलीवरी के बाद इसमें थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो पूरी रेसिपी की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप चेक कर लेना वहाँ पर पूरा रिटर्न में आपको पूरा आ, सारा रेशियो और सारे चीज़ें जो लिखी लिखाई मिल जाएंगी तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है और थोड़ा थोड़ा घी घी ही लेना है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो और या फिर ये गोंद है मखाने ये सब घी पी आ, पीते हैं तो उस हिसाब से मैंने पहले क्या किया है गोंद को अच्छे से इतना घी लेना है कि उसमें पूरा जो गोंद है वो अच्छे से डिप हो जाए क्योंकि गोंद को भूनना सबसे ज़्यादा ट्रिक्की है अच्छे से अगर नहीं होगा तो वो पूरा लड्डू ख़राब कर देगा तो धीमी आँच पर उसको अच्छे से फूलने देना है देख सकते हो आप अच्छे से फूल गया था उसके बाद मैंने बादाम को भी इस तरीके से रोस्ट कर लिया सब चीज़ें चला करके करनी है ताकि कुछ भी जले नहीं और एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स अलग अलग ही आप घी में उनको भूनिएगा एक साथ मिक्स मत करना नहीं तो क्या सबका टेक्सचर अलग अलग रहता है कुछ जल जाएंगे और कुछ कच्चे रह जाएंगे इस हिसाब से अच्छा गोंद को क्या है ना गोंद अच्छे से अगर क्रिस्पी हो जाता है तो आप इसको सिर्फ ग्लास से या हाथ से भी इवन मैश करेंगे ना तो ये पूरा पाउडर फॉर्म में हो जाता है बट मैंने जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था मेरे पास फूड प्रोसेसर का जार है उसके अंदर कर सकती हूँ बट क्योंकि मैं थोड़ा अमाउंट में बना रही थी तो मेरे पास एक छोटा चॉपर भी है उसके अंदर ही मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को वन बाय वन करके चॉप कर लूँगी कुछ लोग इस लड्डू में ना आटा भी डालते हैं बट पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे आटा या सूजी वगैरह डालना पसंद नहीं है ऐसे ही ये बहुत टेस्टी भी लगता है और न्यूट्रिशियस भी काफी रहता है और इजी टू मेक है मतलब आसानी से आप बना सकते हो और बहुत ज्यादा इसमें कुछ मेहनत या बहुत ज्यादा दिमाग नहीं बस इनको भूनना है वन बाई वन करके वही है अखरोट जो मैंने डाला है ये मेरे पास थोड़ा सा बचा था तो मैंने डाल दिया है आप चाहो तो स्किप कर लेना क्योंकि ये मैंने जब डिलीवरी के बाद खाया था तब नहीं डाला था बट ड्राई फ्रूट्स तो ऐसा है कि आप अपने हिसाब से जो भी चाहो वो डाल सकते हो तो ये लड्डू जो है ना ये बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है और बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस लड्डू को आप बना करके खाइए जरूरी नहीं आप इसे लड्डू फॉर्म में ही बनाइए किसी भी फॉर्म में बना सकते हो बट इसमें जितनी भी चीजें हमने डाली है ना ये एक तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है ना उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी बढ़ा देती है और उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा देती है अगर आप ये खाते हो तो आपका जो दूध है ना वो ज़्यादा बनता है अच्छे से बनता है और उसमें इतनी सारी गुडनेस है तो वो गुडनेस दूध के फॉर्म में बच्चे को भी मिलती है और आपको भी मिलती है दूसरी चीज़ की इसके अंदर इतनी कैलरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहती है तो जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कैलरी की ज़रूरत होती है अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो आपको खुद ही पता होगा कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो उसके आपको एकदम से ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी कहीं खत्म हो गई है, एकदम से वीकनेस ही ऐसा फील होने लगता है, तो वो जो आ, फीलिंग है, वो आप अगर ये लड्डू खा लेते हो तो आपको नहीं होती है दूसरा कि ये जो लड्डू है ना आप एटलीस्ट आपके पास बने हुए रखे रहेंगे तो आप कुछ भी इधर उधर की खराब सी चीज़ें खाने से अच्छा है कि इस लड्डू के ऊपर स्नैकिंग कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा रहता है तो ये देखिए मैंने यहाँ पर गोंद जो है मेरे पास ये छोटा सा चॉपर है इसके अंदर मैं कर ले रही हूँ अगर ज़्यादा होता तो मैंने स्टार्टिंग में जो बड़ा अपना दिखाया था ना चॉपर उसके अंदर मैं कर लेती तो गोंद को तो आप ग्लास से भी ऐसे कर लोगे तो भी हो जाएगा चॉपर में करने की ज़रूरत नहीं है बट मैं क्योंकि कर रही थी तो मैंने सारी चीज़ें कर ली इनकेस अगर आपको इस चॉपर जरूरत है तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से चेकआउट कर सकते हो और बाकी की जो भी चीज़ों की लिंक होगी मेरे पास वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप चेक कर लेना पोस्ट पार्टम एसेंशियल करके एक लिंक है वहाँ पर आपको सारी चीज़ें ज़रूरत की मिल जाएंगी तो अब इसमें थोड़ा सा ये मैंने किशमिश भी भून लिया है बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती अदरवाइज़ जल जाएगा बस जैसे ही फूलने लगे ना किशमिश बस इसे तुरंत निकाल लेना है तो घी आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो जितना आपको खाना हो बहुत ज़्यादा घी या बहुत किसी भी चीज़ की अति मत करना कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है तो बहुत ज़्यादा कर लो तो वो भी फिर नुकसान करने लग जाता है अच्छा इसके अंदर ये जो मखाना हमने डाला है बहुत अच्छा रहता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट मिल्क के लिए तो मखाना थोड़ा और ज़्यादा भी चाहो तो ले सकते हो अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी रहता है एंड उसके अलावा जब आपकी डिलीवरी होती है ना तो आपके मसल्स वगैरह अंदर से वीक होती हैं ब्रेकेज होता है तो रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है तो पोस्ट पार्टम पीरियड में अगर आप ये लड्डू खाते हैं तो इसमें गोंद वग़ैरह है या ये मखाने वगैरह ये जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं ये सब ना आपकी मसल को रिपेयर करने में और उनको स्ट्रेंथ देने में काफ़ी हेल्प करता है तो अगर आपने ये लड्डुओं को थर्टी फोर्टी डेज खा लिया कम से कम तो आप समझो कि आपको पेन वगैरह में काफ़ी रिलीफ मिलता है और बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है उसको स्ट्रेंथ मिलती है इस वजह से तो ये लड्डू आप ज़रूर बनाना और ये यहाँ पर मैंने लास्ट में थोड़ा सा एक चम्मच घी होगा उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नारियल का पाउडर था वैसे जब मेरा लड्डू बना था तो उसमें मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था तो उन्होंने नारियल घिस करके डाला था बट क्योंकि मैं त नहीं अभी टाइम था मेरे पास तो मैंने ये नारियल का पाउडर आता है वही मैंने इसमें डाल दिया नारियल का बुरादा जो होता है तो वो मैं वहाँ पर भून रही हूँ और साइड साइड मैं ये सब भी करती जा रही हूँ तो अच्छे से जब भून गया था कलर थोड़ा सा नारियल में आ गया उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया उसमें मैंने सोट पाउडर और ये हल्दी है ये मैंने इसमें डाल दिया है तो ये ना सीज़न के हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हो अगर जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो आप थोड़ा सोंठ ज़्यादा कर सकते हो खसखस कम कर सकते हो और अगर गर्मियाँ है तो खसखस ज़्यादा कर सकते हो सोठ कम कर सकते हो क्योंकि सोंठ गर्म होता है और खसखस थोड़ा सा ठंडी तासीर का होता है बट ओवरऑल ये लड्डू जो है ये गर्म तासीर का ही रहता है क्योंकि इसमें गोंद और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डले हुए हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है और ये लास्ट में ही करना होता है अदरवाइज़ ये जल जाएगा या फिर अगर बहुत सारी घी में आपने डाल दिया तो मतलब घी वेस्ट होगा तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने वन बाय वन करके चॉपर में चॉप कर ली है किशमिश मैंने ऐसे ही रहने दिया है और एक बड़े से बर्तन में इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी आफ्टर डिलीवरी ना आपको पीरियड्स या फिर ब्लीडिंग वगैरह जो होती है ना तो कई सारे लोगों को ना क्रैम्प्स और पेन काफ़ी ज़्यादा होता है थोड़ा बहुत तो सबको ही होता है बट कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा होता है तो ऐसे में अगर आप ये लड्डू खाते हैं तो आपका एक तो ब्लीडिंग जो है ना वो प्रॉपर रहता है अंदर की जो सफ़ाई होती है ना यूट्रस क्लिनिक उसमें ये बहुत हेल्प करता है और दूसरा आपको जो पेन वगैरह होता है ना क्रैम्प्स वगैरह होते हैं पेट में दर्द वगैरह होता है आफ्टर डिलीवरी उसमें भी ये काफ़ी रिलीव आपको पहुंचाता है तो आप ये खाइए एंड उसके अलावा आपको हाँ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अक्सर लोगों को होती है आफ्टर डिलीवरी सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो सभी को प्रॉब्लम होती है तो इसमें इतना सारा घी और फाइबर होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीव मिलता है तो काफ़ी सारी इसमें गुडनेस है मतलब मस्ट हैव है आप ज़रूर से इसको ट्राई करो हाँ इसमें घी की कंजूसी मत करो कि कम रख रहे हैं कम रखें ऐसा मत करना और अच्छे से डालना लेकिन हाँ ये भी एक चीज़ है कि ये बहुत अच्छा है इसमें गोंद बहुत ज़्यादा मत डाल देना क्योंकि गोंद अच्छा तो रहता है आपके जॉइंट पेन वगैरह के लिए गोंद काफ़ी अच्छा रहता है लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो ये गर्म तासीर का है तो फिर आपका यू you नो know, ज़्यादा गर्म खाने से भी पेट खराब हो सकता है या और कुछ उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं लेकिन एक नॉर्मल अमाउंट में घी भी खाइए और गोंद वगैरह या जो भी लड्डू आप आराम से इसको खा सकते हैं आराम से अच्छे से बनाइए ओवर मत कीजिए बट खाने में कंजूसी भी मत करिए अच्छे से बना लीजिए तो देखिए सारा मिक्सचर मेरा तैयार हो गया पाउडर कर लिया मैंने अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें घी एक चम्मच डालूंगी और Uh, जैसे एक कप मैंने एक कटोरी मैंने सारी चीज़ें ली है ना तो इसमें दो कटोरी करीब मैं जो गुड़ है घिसा हुआ घिस लिया था काट लिया था चाकू से वो मैं इसमें डाल दूंगी तो गुड़ जब अच्छे से पूरा मेल्ट हो जाएगा उसमें एक बॉयल जैसा आ जाएगा फिर मैं गैस बंद करके वो जो गुड़ का पाग है वो ड्राई फ्रूट्स में डाल दूँगी तो इस तरीके से आ, उसके बाद इसको थोड़ा मिला लेंगे और थोड़ा सा वार्म रहेगा तभी फिर इसके धीरे धीरे लड्डू बना लेंगे या फिर आप चाहो तो उसको बर्फ़ी जैसा बना सकते हो चाहो तो ऐसे ही मिक्सचर रख दो क्योंकि भाई अगर बहुत सारे लोग बनाने वाले हैं आपके पास सब तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ही आ, सब करना है बहुत ज़्यादा आपके पास लोग नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं कि लड्डू के फॉर्म में दिखेगा तभी आपको बेनिफिट करेगा मेन है ये जितने इंग्रेडिएंट्स हैं इनका कंजम्पशन तो आप ऐसे भी रख सकते हो लड्डू बर्फी जो बनाना है वो बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें गुड़ जैसे मैंने दो कटोरी डाला है आप चाहो तो आधा कटोरी और भी डाल सकते हो अगर आपको तो थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है दो कटोरी में ये नॉर्मल मीठा बनेगा जैसे कभी कभी होता है ना बहुत सारे लोगों को मीठा पसंद नहीं है तो ज़्यादा मीठा होने से खाने में मज़ा नहीं आता है तो ये थोड़ा कम साइड पर ही था आ, लेकिन इतना मेरे को चलेगा अगर आप चाहो तो आधा आ, कटोरी जो गुड़ है और ले सकते हो थोड़ा बहुत इसमें घी और ऐड कर सकते हो बाइंड अगर नहीं हो जाए तो थोड़ा गर्म करके घी डाल सकते हो बट इतना घी जितना मैंने डाला है ना ये बहुत ही मेरे ख्याल से दो कटोरी घी है उ, उतने में मैंने बना लिया बट थोड़ा बहुत जब आपकी डिलीवरी की है तो मैंने अपने लिए बनाया है बट डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत घी ज़्यादा डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो ये आप बना करके रख लीजिए और अगर आपको डिफ़िकल्टी है सब बनाने में तो आप एक चीज़ और मैं आपको ऐसे पर्सनल सजेशन दे रही हूँ कि सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं ना इनको मोटा मोटा दरदरा पीस लीजिए और फिर घी में भून करके और उसमें गुड़ डाल दीजिए और गोंद को अलग से ऑफ कोर्स आपको तल करके और फिर उसको क्रश करना होगा बाकी की चीज़ें एक साथ मिक्स करके और गुड़ में आप आग बना लीजिए ये मैं आपको ऐसे शॉर्टकट बता रही हूँ इनकेस अगर आपके पास कोई नहीं है बना के देने वाला तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो मेन अपने को मैंने बताया ना कि फॉर्म कोई भी हो तरीका कोई भी हो ये सारी जो गुडनेस सही है, जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें खाना है तो अगर आपको प्रॉपरली इस तरीके से पूरा डिटेल वे में नहीं बनाना है तो मैंने शॉर्टकट भी आपको बता दिया कि सारे ड्राई फ्रूट्स को दर दरा पीस लीजिए उसको घी में थोड़ा रोस्ट कर लीजिए और गोंद को अलग से भून करके उसको क्रश कर लीजिए और फिर गुड़ के पाग में मिला करके रख लीजिए और दो दो चम्मच तीन तीन चम्मच आप एक बार में दूध के साथ में इसको खा सकते हैं तो ये देखिए सारा गुड़ मैंने इसमें डाल दिया पहले ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया था उसके बाद इसमें गुड़ डाल दिया बस अब कुछ नहीं करना है इसको थोड़ा सा चलाना है और उसके बाद बना लेना है तो ये मैंने अकेले नहीं बनाई थी ये रेसिपी मेरी एक फ्रेंड है हम दोनों ने मिल बनाया था क्योंकि मुझे शूट भी करना था और फिर घी वाले हाथ से थोड़ा सा क्लम्जी हो जाता इसलिए तो लेकिन इसको बनाना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है थोड़ा सा टाइम लगता है थोड़ा सा फैलावा फैलता है किचन में लेकिन बन जाता है आसानी से कोई भी बना सकता है आ, ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ आपको यू नो स्पेशलिटी चाहिए या फिर आप एक्सपर्ट होने चाहिए नहीं आप आराम से इसको बना सकते हो तो ज़रूर बनाना और मुझे बताना कि आपका कैसा बनाइए और आपको पसंद आया कि नहीं और जितना मैंने इन्ग्रीडियंट्स दिखाए हैं एक एक कटोरी इसमें करीब बीस लड्डू बन गए थे मेरे मीडियम साइज़ के और इतने ही साइज़ के आप बनाना इससे छोटा या बड़ा मत करना और इतने साइज़ का जो लड्डू भी आपको मैं दिखाऊंगी उतना लड्डू आप दिन में दो से तीन खा सकते हो स्पेशली रात में जब आपको भूख लगती है आफ्टर डिलीवरी रात में जब आप बच्चे को फीड कराते हो तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो उस टाइम के लिए ये लड्डू बहुत बेस्ट रहता है मैंने अपनी डिलीवरी में मतलब ऐसे दो तीन लड्डू पर डे खाती थी स्पेशली रात में मुझे भूख लगती थी तो मैं ये लड्डू खा लेती थी कुछ मैंने ड्राई फ्रूट मिक्स वगैरह भी बनाए बना रखे थे तो वो भी मैं ले लेती थी बट मीठे की क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा होती है जब आप फीड कराते हो क्योंकि कैलरी इंटेक बढ़ जाता है तो ये लड्डू आप बना करके रख लीजिए और रात में अपने बेड के साइड में रखिए और रात में आप इसे खा सकते हो अब बात करते हैं इसके आपको कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना चाहिए पहली चीज़ कि ये लड्डू बहुत अच्छा है इसलिए ऐसा ना हो कि दिन में आप पाँच छः लड्डू ही खाते जा रहे हो तो फिर वो ओवर हो जाएगा उससे आपके बच्चे को आप भी पेट ख़राब हो सकता है आपको भी इसके कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं तो इसलिए दो या तीन लड्डू पर डे आपको खाना है ज़्यादा नहीं खाना है और दूसरी चीज़ कि इसमें गोंद का जो मात्रा है वो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा नहीं करनी है और अच्छे से गोंद को भूनना है अगर वो थोड़ा भी कच्चा रह गया तो वो फिर पेट ख़राब कर सकता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको मिल सकते हैं तो इस तरीके से आप इस लड्डू को बना सकते हैं आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा कॉमेंट करके मुझे बताइएगा इसके अलावा हरीरा की रेसिपी भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो वो भी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए वहाँ पर मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स वीडियो जो है वो शेयर करती रहती हूँ जिसमें आपको मजा भी आएगा और थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और मेरा ब्लॉग चैनल भी चेक कर लेना वहाँ पर भी मैं डेली बेसिस पर पे पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ कुछ शेयर करती रहती हूँ तो आपको पसंद आएगा वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर